नागपुर के खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विदर्भ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आने चाहिए और उन्हें विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं मिलनी चाहिए। मानकापुर क्षेत्र में खेल केंद्र के निर्माण की आधारशिला का अनावरण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस समय वह बात कर रहे थे। साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर सांसद श्याम कुमार बर्वे, विधायक तेजचंद सावरकर, आशीष जायसवाल, पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभारी, नगर निगम आयुक्त अभिजीत चौधरी, कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर, उप संचालक खेल शेखर पाटिल, जिला खेल अधिकारी पल्लवी धात्रक, खिलाड़ी ओजस देवताले और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हम नागपुर में बालीवाड़ी जैसी खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अब इस खेल केंद्र के माध्यम से हम आधुनिक खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। हमारी भूमिका खिलाड़ियों को उनके पसंदीदा खेल में अधिक रुचि पैदा हो और उनके लिए आधुनिक सुविधा लाना है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने इस बात पर जोर दिया है कि वर्ल्ड क्लास सुविधा होनी चाहिए और हम इस नए खेल केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। आधुनिक खेल सुविधाओं के लिए एक नया आयाम केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा दिया गया। नागपुर के विदर्भ के उभरते खिलाड़ी हमारे देश के नाम को आगे बढ़ाने में सक्षम है, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। सामान्य नागपुरकराला जे जे आवश्यक आहे ते माननीय गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी केंद्रातलं सरकार असेल, राज्यातलं सरकार असेल, आम्ही सर्वांनी ते देण्याचा प्रयत्न केलाय आणि आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो भविष्यातही ज्या ज्या मागण्या मोहनभाऊंनी या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत, ज्या ज्या मागण्या जनतेच्या आहेत, ज्या ज्या अडचणी जनतेच्या आहेत, त्या अत्यंत वेगाने सोडवण्याचा प्रयत्न आम्ही करू। आम्हाला सगळ्यांना आपला विकास करण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे। चांगले बगीचे असले पाहिजे, चांगले खेळाची मैदान असली पाहिजे, 24 तास पाणी मिळालं पाहिजे आणि या शहराचा उत्तम विकास होऊन हे शहर भारतातलं सुंदर आणि स्वच्छ शहर झालं पाहिजे। या विचाराने आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने देवेंद्रजींनी, मी, मोहनजींनी, आमच्या नगरसेवकांनी काम करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला तुम्ही सगळ्यांनी जो आशीर्वाद दिला त्यामुळेच ही कामं होऊ शकली। याबद्दल मी दक्षिण नागपूरच्या जनतेचंही मनापासून आभार मानतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।